सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। साथ निभाने का हुनर सीखना है तो उस ताले से सीखो, टूट तो जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से मिल जाते हैं आपको अपना कहने वाले, रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अकेलेपन का एहसास हो। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ हो तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल ही जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे, दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। आज का पंचांग 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 4:15 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:56 से 9:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, आज आप आवेगी मूड में हैं। किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़ पड़ेंगे, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने कई अवसर एक साथ आएंगे, आपको सोच समझ कर उनमें से चुनना है। कोई रुका हुआ आय का स्रोत दोबारा शुरू होगा और आप अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा। स्वभाव की नकारात्मक बातें मालूम होने के बाद बदलाव ना करने से व्यक्तिगत जीवन में नुकसान होने की संभावना बन रही है। जिन बातों का पछतावा होता है उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश करें। केवल विचार करने से आप अपनी मानसिक तकलीफ बढ़ा रहे हैं। काम की जगह लोगों के साथ ठीक से बात ना होने से एक दूसरे के लिए गलतफहमी होगी। पुरानी बातों का विचार करके खुद की तकलीफ और ना बढ़ाएं। बदन दर्द और बुखार की तकलीफ होने की संभावना बन रही है। सेहत का ध्यान रखना होगा। सावधानियां, दूसरों की मदद करने से आपको आत्मिक खुशी मिलेगी, परंतु साथ ही अपने कार्यों पर भी फोकस रहें। राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करते समय किसी भी गैरकानूनी कार्य से दूर रहें। किसी के साथ भी बेकार की बातों में ना उलझें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी और इसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। अपने पास कुछ न हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल ही में किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रहे ये आपका वहम है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे, इसलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कई तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचा कर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज कार्य क्षेत्र में कोई भी लिए गए व्यावसायिक निर्णय उचित रहेंगे। कोई नया ऑर्डर मिलने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। इस समय व्यावसायिक यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है
ऑफिशियल गतिविधियों में आपकी विशेष भूमिका बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे आप क्या खा रहे हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है। आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होगी। असल में आज अपने खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, शिव भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।